हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई इमेज रिसाइज करनी है, उसका साइज आपको या फिर रिजोल्यूशन रिसाइज करना है, तो आप डायरेक्ट उसको राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से आप कैसे कर सकते हैं। राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा रिसाइज इमेज का, और डायरेक्ट आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है wallpaper.jpg। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की एक इमेज है, ठीक है। इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन आप देखिए 1920x1080 पिक्सल का डायमेंशन इसका हमें शो कर रहा है। साइज इसका 390 KB हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर सपोज हमें इसको रिसाइज करना और हम चाहते हैं कि साइज थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे। कई बार आपको ये ट्रिक, ये जानकारी की नीड रहती है, क्योंकि कई बार आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर साइज चाहिए होता है उस पर्टिकुलर इमेज का, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, या फिर ये जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हम यूज कर सकते हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 में। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एक बार किस तरीके से करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस टूल का हम यहाँ पे यूज लेंगे। यहाँ पे मैंने इस इमेज पे राइट क्लिक किया, देन विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, तो शो मोर ऑप्शन में गया। शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है, रिसाइज पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर इमेज रिसाइजर डायरेक्टली ओपन हो गया। यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट अ साइज यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास अलग अलग साइज है, ठीक है, जिनमें आप इस इमेज को साइज कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम साइज भी देख सकते हैं कि नहीं, मुझे तो एक कस्टम साइज चाहिए इस पर्टिकुलर इमेज का, ठीक है। जैसे सपोज स्मॉल चाहिए, तो हमारा जो एक्चुअल साइज था वो 1920x1080p था, और हम चाहते हैं कि नहीं, हमें छोटा साइज चाहिए, फोन का साइज ही चाहिए, 320x568 का चाहिए, या फिर सपोज स्मॉल चाहिए 854x480 का चाहिए, या फिर सपोज हमें कस्टम साइज चाहिए, तो कस्टम साइज सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए 300x200 का, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने कस्टम साइज डिसाइड कर दिया। यूनिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपको पिक्सल इंच परसेंटेज वगैरह किस में चाहिए, ठीक है, वो आप सब चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं, मेक पिक्चर स्मॉलर बट नॉट लार्जर, यानी कि आप इस टूल का यूज सिर्फ स्मॉलर इमेज क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, लार्जर क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते, तो आप इस पर चेक कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिसाइज द ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर को आपको रिसाइज करना है, कोई कॉपी उसकी क्रिएट नहीं करनी, तो आप इसको चेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ। इग्नोर द ओरिएंटेशन ऑफ पिक्चर, अगर ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई एरर आता है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसाइज पे क्लिक कर देना है। रिसाइज करते हैं, यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं एक कस्टम वॉलपेपर इमेज यहाँ पे आ गई है नए रिजोल्यूशन के साथ, जिसका रिजोल्यूशन हमने 300x200 करा था, तो इसने ऑटोमेटिकली इमेज के हिसाब से उसका रिजोल्यूशन सेट कर दिया। अब अगर हम पुरानी इमेज का साइज देखें, तो यहाँ पे पुरानी इमेज का साइज है 390 KB, और जो नई इमेज यहाँ पे रिसाइज होकर आई है उसका साइज है 12 KB। ओपन करके देखते हैं, सेम इमेज है, हम इसको ओपन कर पा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे साइज छोटा हो गया है। अब इस टास्क को परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये टूल आ रहा है, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कहीं भी कभी भी। तो इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है, जिसको आप डाउनलोड भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही करेंगे। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप टाइप करेंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप गए। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में जाना है। हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एक बार ओपन हो जाए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमारा ओपन हो गया। जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा टूल को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्ट आपके सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक टूल यूज करना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट पावर टॉयज भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर टॉयज लिखने के बाद आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज यहाँ पे आपके सामने आ गया है। काफी अच्छी रेटिंग है, 4.5 से भी ज्यादा रेटिंग है, ठीक है। फ्री टूल है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आपका लॉगिन होना चाहिए जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, देन इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जस्ट आपको ये डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे पावर टॉयज प्रीव्यू यहाँ पे लिखा रहा है, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट इसको टेस्ट कर रहा है, प्रीव्यू वर्जन यहाँ पर रिलीज कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज विंडोज 95 के समय में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अब विंडोज 10 और विंडोज 11 के साथ इसको काफी और भी ज्यादा फीचर्स के साथ इसको वापस से लॉन्च किया गया है, जिसका प्रीव्यू वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, तो ये प्रीव्यू वर्जन स्टेबल रिलीज में ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसका अभी वर्क बहुत ही शानदार है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में आ जाएगा, आप डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च में जाके यहाँ पे जस्ट आप पावर
ऑटोमेटाइज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐप आ जाएगी। जस्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसको कुछ स्पेशल टास्क के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स हैं इस माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के, ठीक है। यहाँ पे पावर टॉयज सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। जनरल अवेक, कलर पिकर, फैंसी जोन, इनके बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज हम बात करें इमेज रिसाइजर की। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको इमेज रिसाइजर यहाँ पे मिलता है, और इमेज रिसाइजर यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे अनेबल इमेज रिसाइजर का यूज लेंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नहीं आएगा, ऑन रखेंगे तो आएगा। देन यहाँ पे आप यहाँ पे अलग से और भी साइज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड साइज आपको दिए हुए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज फोन, ठीक है। इनका आपको पिक्सल साइज यहाँ पे डिफाइन है, डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अगर आपके पास कोई कस्टम साइज है तो आप इनको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एक नया साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एड अ साइज में जाके। एनकोडिंग आप देख सकते हैं, जेपीजी एनकोडर यहाँ पे हम यूज दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी एनकोडर हैं। अगर सपोज आप पीएनजी इमेजेस रिसाइज करते हैं तो पीएनजी एनकोडर का यूज लेंगे, बीएमपी करते हैं तो बीएमपी, टीआईएफएफ करते हैं तो टीआईएफएफ, जीआईएफ करते हैं तो जीआईएफ, डब्ल्यूएम फोटो करते हैं, विंडोज मीडिया फोटो करते हैं तो विंडोज मीडिया फोटो। तो जेपीजी सबसे ज्यादा यूज में आता है, तो जेपीजी एनकोडर हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। बाकी जेपीजी की जो क्वालिटी लेवल है वो मैक्सिमम आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये सेटिंग एज इट इज रखने के बाद, या फिर इसमें कुछ भी कस्टम आप करना चाहते हैं करने के बाद, जस्ट आप इसको क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद जब भी आप इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, देन यहाँ पर आपके पास आएगा रिसाइज पिक्चर्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आई जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कस्टम वगैरह सब ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आप चाहें तो यहीं पर इसी विंडो से सेटिंग में जा सकते हैं डायरेक्ट। आप देख सकते हैं ओपन सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट पावर टॉय सेटिंग में जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था गाइज छोटा सा प्रोसेस, बहुत ही ईजी प्रोसेस, खास तौर से विंडोज 10 और विंडोज 11 यूजर के लिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।